पूर्णिया के बनभाग भूठा मोड़ से होकर झुन्नी स्तंभरात की ओर जाने वाली सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिससे लोग काफी परेशान रह रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ राहगीर भी शामिल हो गए और मांगों के समर्थन में पूर्णिया सहरसा रोड को जाम कर प्रदर्शन किया तथा टायर जलाकर आगजनी भी की। बताया जाता है कि इस सड़क का कुछ हिस्सा पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में, कुछ हिस्सा धमधा विधानसभा क्षेत्र में और कुछ हिस्सा कस्बा विधानसभा क्षेत्र के सीमा में पड़ता है, जिसके कारण लोगों ने तीनों विधायकों एवं पूर्णिया सांसद से भी मिलकर सड़क मरम्मति की गुहार लगाई, किंतु परिणाम सिफर ही रहा और लोगों की परेशानियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। लगातार 5-6 साल से ऐसा ही मतलब जंजर है। कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले यह घटना है कि गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही थी, मतलब पेट में ही बच्चा उनका डेथ हो गया, एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में। महिला क्या कहता सीरियस। तुम लोग यहाँ ग्रामीण को फिर उतना बताया क्यों नहीं? अगर सांसद सब किसी को लिखित दिए हो कि नहीं? सांसद को 3 मरतबा दिए हैं, राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी को दिया, कल आरपी सिंह साहब आए थे उनको भी दिया है, ऋषि सिंह को भी दिया है आवेदन और आफाक आलम को भी दिया है। ये कौन नगर निगम में आता है या जिला? ये धमधा विधानसभा क्षेत्र में आता है और क्या कहता है, पूर्णिया का बॉर्डर है, पूर्णिया विधानसभा और कस्बा विधानसभा का बॉर्डर है। हम लोग रोड के लिए रोड बनाने बोल रहे हैं हम लोग यहाँ। हम लोग इतना रोड का दिक्कत है कि रोड चलने लायक हम लोग यहाँ नहीं है। हर मुसीबत इतना है, इतना बॉर्डर यहाँ है कि सीमा फज ले हम लोग का। अभी चलने के लिए हमें बहुत मुसीबत इतना पड़ता है कि गाड़ी रोको कहीं पैदल वहाँ कहाँ उठा जहाँ रहो। ये रोड चलने के लायक हम लोग नहीं है। हम लोग रोड चाहिए सुविधा हम लोग को, पसंद इतने कहाँ हम लोग और क्या करेंगे। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रोड यहाँ से लेके गढ़िया बलवा तो जाता है इसका, श्रीनगर कबड्डी यहाँ से, ये रोड यहाँ से। ग्रामीणों की मांग थी कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, आपके बाएं साइड में जो सड़क दिखाई पड़ रहा है, ये भुटा मोड़ से कुशवाहा चौक तक सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाता है। कभी डॉक्टरों के पास लोगों को जाना पड़ता है, उस इमरजेंसी में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानियाँ होती है। विगत 5 वर्षों से लगातार ये ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं कि ये सड़क का निर्माण हो, मगर किसी भी जनप्रतिनिधि की नज़र इस सड़क पर नहीं जा रही है। आप थोड़ी सी दूर आगे जाएंगे, एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके आगे अगर आप जाके देखें वहाँ सड़क की स्थिति, तो वहाँ पे कीचड़ लगा है और लगभग घुटनों तक वो कीचड़ पड़ा हुआ है। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं गया था उस गाँव में, मेरी गाड़ी बस किसी तरह निकल गई थी, बट गाड़ी पूरी कीचड़ों से सन गई थी, इतनी दयनीय स्थिति है। अभी पिछले दिनों ही एक ट्रैक्टर उस जाम में फंस गया। अब सोचिए, ट्रैक्टर जैसी गाड़ी अगर उस कीचड़ में फंस जाएगी तो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी का क्या हाल होगा। तो स्थिति बहुत दयनीय है। लगातार ग्रामीणों की मांग है, प्रशासन को आगाह किया जा रहा है बार बार, मगर प्रशासन देख नहीं रहा है, जरा सा भी उनकी निगाह इस सड़क की ओर नहीं पड़ रही है। तो आज आप लोग रोड जाम किए या धरना प्रदर्शन किए? ये एक धरना प्रदर्शन ही था, बट कुछ ग्रामीणों आक्रोश में आकर के ये इन्होंने सड़क जाम कर दिया, बट फिर हम लोगों ने समझा बुझा करके उनको मना लिया है कि हम जाएंगे जिला पदाधिकारी के पास, प्रशासन के पास जाएंगे, फिर से अपनी मांग रखेंगे। जो लोकतांत्रिक तरीका है उसी तरीके से हम ये मांग करेंगे। हम ये किसी को भी परेशान करने की हमारी मंशा नहीं थी और ना ही ये हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। दुबनी के TOP साहब आ गए और उन्होंने आकर लोगों को समझाया, एक शांतिपूर्ण माहौल में ये जाम को हटवा दिया गया। 10-15 मिनट का मुश्किल से जाम लगा था। उन्होंने ये कागज में लिख कर भी दिया है ये कि हम आपको सहयोग करेंगे, प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगी, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि ये जाम आप खोल दीजिए, हम आपकी मांग ऊपर तक लेके जाएंगे। ये सीमा तीन तीन विधानसभा क्षेत्रों की सीमा यहाँ लगती है, तीन तीन विधायक आसपास के पूर्णिया सदर धमदाह और ये कस्बा का विधानसभा यहाँ लगता है, तो पूरे विधायकों का जमघट है। समस्या का समाधान जल्द से जल्द। धन्यवाद।